साकेत नगर गुरुद्वारे में आयोजित की गई रोहित गृह निर्माण संघर्ष मोर्चा के सदस्यों की बैठक। इस दौरान सदस्यों ने आपस में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट। पिछले 24 घंटे में दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई बारिश और साथ में गिरे ओले। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आज महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कई जगहों पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया, साथ ही विभिन्न स्थानों से शौर्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने तलवारबाजी कर प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश के शोरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बेटे को मरा मानकर परिजन उनका अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन वह बेटा अपनी 13वीं के दिन घर लौट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद अपनी कैबिनेट टीम तैयार कर ली है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 लोग कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। हनी ट्रैप गैंग ने ग्वालियर में एक व्यापारी को अपना निशाना बनाकर अपने जाल में फंसाया। उसकी असली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर सोने की चैन, 2 अंगूठी व ATM से 1,00,000 निकाल लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आपको शुभकामनाएं दी, साथ ही असम की कम से कम मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इंदौर कलेक्टिव कार्यालय के बाहर गौवंश तस्करी को लेकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि गौवंश तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे बिंदुदारा सी महाकाल के दर्शन पर बहुत खुश दिखे डरासी। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर के बारे में उन्होंने इतने समय से सुना था, आखिरकार उसके दर्शन हो ही गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहले निर्णय सामने आई। बैठक में आज 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का लिया गया फैसला। कांग्रेस दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। शेख हसीना को लगाए गले। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सीएम योगी ने दिल्ली में अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अमरोहा में एक प्रेमिका और प्रेमी के साथ जाने के लिए इस कदर जिद पर अड़ी कि परिवार वालों ने थाने में ही दोनों युगल की शादी करा दी। हालांकि दोनों के बारीक होने की वजह से परिवार वाले कुछ भी नहीं कर सके और वर वधु को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव की तारीख की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। इस सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना के साथ नतीजे घोषित होंगे। अलीगढ़ में 14 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 14 जून को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय राजकीय ITI परिसर में होगा। इसका आयोजन मॉडल कैरियर सेंटर राजकीय ITI एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा।